नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि कंगना रनौत अक्सर करके अपने बेबाक बयानों की वजह से विवादों में रहती हैं। अब एक बार फिर से कंगना रनौत ने एक ऐसा ही धांसू बयान दिया है जिसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे कंगना रनौत ने एक बार फिर से बेहद ही खतरनाक बयान दिया है और कंगना रनौत के इस बयान को लेकर लोग कई तरह की बातें भी कर रहे हैं। कंगना रनौत ने फिर साधा सलमान खान पर निशाना, मुनव्वर फारूकी ने भी जमकर लगाई है क्लास। कंगना रनौत ने एकता कपूर के नए रियलिटी शो लोकअप के होस्ट के रूप में अपना ओटीटी डेब्यू किया, जो एएलटी बालाजी पर स्ट्रीम होता है। हाई ड्रामा शो या अत्याचारी खेल ने रिकॉर्ड तोड़ संख्या में शुरुआत की, जिसमें 13 विवादास्पद हस्तियों को बदमाश जेल के अंदर बंदी बना लिया गया। कंगना रनौत के होस्ट शो की तुलना सलमान खान के होस्ट शो बिग बॉस से भी की जा रही है। तुलना के बारे में बात करते हुए कंगना ने INS से कहा, देखें बिग बॉस और सभी टीवी शो हैं और उन पर प्रतियोगी हैं। हम यहाँ प्रतियोगियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कैदी के बारे में बात कर रहे हैं और वो जेल में हैं। मेरे पास अंतिम शब्द होगा और मैं विजेता का चयन करूंगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो एक प्रतियोगी को दूसरे पर पसंद करेंगी, उन्होंने कहा, ये मानव स्वभाव है कि कुछ लोगों के साथ प्रतिध्वनि होता है और कुछ लोगों के साथ प्रतिध्वनित नहीं होता है, लेकिन इससे मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं बहुत वस्तुनिष्ठ व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि विजेता कोई ऐसा होना चाहिए जो शायद उन विजेताओं की परिभाषा ना हो जो हमने अब तक रियलिटी शो में देखे हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन कोई है जो वहां है और जानता है कि जीवन से कैसे निपटना है, जो सहज है, जो मजेदार है और साथ ही निर्दोष और शुद्ध है। ये लोकअप सीजन 1 का विजेता बनने जा रहा है और मुझे यकीन है कि मैं ऐसे व्यक्ति का पक्ष लूंगा और ऐसा व्यक्ति मेरा पसंदीदा भी होगा। विजेता वो होगा जो मुझे पसंद है। लोकअप के प्रतियोगियों में मुनव्वर फारूकी, पूनम पांडे, पायल रोहतागी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, बबीता फोगाट, सारा खान, सायसा सिंधे, करणवीर वोरा, तहसीन पूनावाला, निशा रावल, सिद्धार्थ शर्मा, शिवम शर्मा और अंजलि अरोड़ा शामिल हैं और ओटीटी पर स्ट्रीम होती है। प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी और MX प्लेयर है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने एक बात साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से अपने शो को सलमान खान से कंपेयर नहीं होने देंगी। आपको बता दें, इससे पहले भी कंगना रनौत कई बार विवादों में रह चुकी हैं और कंगना रनौत बॉलीवुड माफियाओं को लेकर खुलकर अपना बयान देती हैं और खुलकर बॉलीवुड के माफियाओं पर हमला भी बोलती हैं। तो ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से कंगना रनौत कहीं ना कहीं सलमान खान पर गुस्सा है और वो सलमान खान के बारे में कुछ भी बोल सकती हैं। हालांकि कंगना रनौत ने अपने बयान से थोड़ा बहुत सभी को हैरान भी किया और कंगना रनौत का ये जो बयान आया है उनके फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं और उनके शो को भी काफी हद तक पसंद किया जा रहा है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।